इंटरनेशनल खैबर पख्तूनख्वा टाइम में खुश आमदेद। मैं तुहाड़ी मेज़बान हिना रऊफ, मेरे नाल मौजूद ने मलिक अरशद हुसैन। नाज़रीन, अज्जे दुनिया दिमागी सेहत का दिहाड़ा मनाया जा रहा है, यानी आलमी सतह पर वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे मनाया जा रहा है। इस हवाले नाल तुहानू बताने जावां कि यह दिहाड़ा इसी तो उन्होंने फिक्स किया है कि दुनिया दिमागी अमराज के हवाले नाल अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि दिमागी मर्ज़ भी कोई सेहत है, दिमागी सेहत भी एक सेहत का हिस्सा है। पहले लोग समझते सन कि बस सिर्फ जिस्मानी सेहत या बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या होर कोई बीमारी ही बीमारी है। नहीं, जहनी बीमारियां बहुत ज़्यादा आजकल आम हो गई ने। तो दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 यानी इस साल नू वर्ल्ड डिप्रेशन 10 साल करार दिता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह के नाल लोग बहुत ज़्यादा नफसियाती हो गए ने, वहम का शिकार भी ने, परेशान ने, एंगजाइटी बढ़ गई है, इस डिप्रेशन के भी शिकार ने। तो ना सिर्फ इस सिर्फ ये वजूहत इसकी सिर्फ नहीं गई कि कोविड-19 आ गया है, इस तो पहले भी बहुत ज़्यादा जो नफसियाती मसायल ने वह दुनिया में मौजूद रहे ने। हर तीसरा शख्स तकरीबन नफसियाती किसी न किसी मसले का शिकार है। मसलन ब्रेकअप्स हो जाते हैं मुहब्बत, प्यार मुहब्बत धोखे हो जाते हैं, जिससे नौजवान नसल खुदकुशी की तरफ आ जाती है, या बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, खुद को तकलीफ पहुँचाती है, कुछ डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, कुछ लोग जड़े ने वो शिजोफ्रेनिया के मरीज़ बन जाते हैं, ज़्यादातर लोग जड़े बहुत ज़्यादा कम करते हैं वो ADHD होते हैं, यानी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसनों कहते हैं, बायपोलर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें पावर होती है, मल्टी टास्कर्स होते हैं, इन ऑर्डर भी होता है तो आउट ऑफ ऑर्डर भी होता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन इन ऑर्डर जी परसनैलिटीज़ होंगे ने बायपोलर दियाँ वो बड़े व्डे व्डे अहदे जाते हैं, एग्जैक्टिव मैनेजर्स होते हैं, MDs होते हैं, तो उन बहुत ज़्यादा मल्टी टास्कर्स होते हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, अपना एक नाम भी होता है, फैमिली भी होती है, तो बहुत ज़्यादा अपने ऑनेस्ट डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के नाल। तो दिमागी नफसियाती बीमारियां किस तरह दूर हो सकदिया ने, इस तई माशरे च केड़े इकदाम करने चाहिए ने, यह दिहाड़ा मनाया जाता है कि तुसी वॉक करो, किताबा पढ़ो, अच्छे साथी दोस्त रिश्तेदारा दे नाल अपने प्रॉब्लम्स नू डिस्कस करके उसका सोल्यूशन लो, तो मायूस ना हो, अपने दीन ते मज़हब उत्ते स्टिक हो जाओ, तो अपनी एजुकेशन दे नाल रह के ते मजबूत सोच सोचो, नैगेटिविटीज़ नू हटाओ, तो खुश रहने की कोशिश करो, खुशियाँ तुसी आपे ढूंढ सो ताई जाके जिंदगी वर्ती, तो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करो, ये तमाम चीज़ा जड़िया ने तुहानू एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सन, ते तुसी जहनी ते नफसियाती बीमारियों तो दूर रह सो। जी जनाब, बड़ी अच्छी गल है। कल जड़ा है, कल जड़ा गुज़िश्ता कल एक डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब के अस्पताल अधिकारी के प्रोग्राम भी इस हवाले से हल किया गया है, और उस प्रोग्राम के अधिकार जो मेजर आमिर साहब जो चीफ गेस्ट है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और मेंटल हेल्थ के हवाले से बड़ी सैर हासिल गल्लां कीतियां गईयां। और नाज़रीन, असल अधिकार सिर्फ बंदा जड़ा है तो आप मुतासर नहीं होता, उस माहौल मुतासर करता है, डिस्ट्रैक्शन होंदियां तुहाडे आसे पास। कॉलर भी लाइन ते मौजूद जी। अच्छा, कॉलर कॉलर गल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मेरे कॉलर दी। अस्सलाम वालेकुम। देखो, वर्क प्लेस अगर इनवायरमेंट कंड्यूसिव देंगी उस इंसान से परेशानी डेफिनेटली हो जाती है। देखो, एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती है, कुछ परेशानियाँ अंदर से आदि, कुछ परेशानियाँ बाहर से आदि, कोई मिसाल की गल कोई घरेलू परेशानी है, कोई और वे वे जड़ा है, तो आखिरकार एक मतलब है कि जहन मुतासर करना शुरू कर दें। इसी तरह से बाहर का माहौल है, मिसाल की गल पॉल्यूशन है, ये जी ये भी इफेक्ट कर दिए। साढ़े एक दोस्त वाजिद साहब थे, उन्होंने दिमाग से बड़ा असर होया है, तो वो डिप्रैशन के शिकार हो जो कहते पता कि पॉल्यूशन ने उन्होंने जरा बहुत डिप्रैस कर छोड़ा है, और जिस इलाके से आते हैं कहते जी रस्ते बड़ी पॉल्यूशन होती है, तो सबसे बड़ा एक जरा दिमाग के बोझ पाने से पॉल्यूशन ने भी बड़ा वाला किरदार अदा। बिल्कुल नाज़रीन, तो फाइनैशियल क्राइसिस बहुत वाला किरदार अदा कर रहा है साड़ी आवाम को नफसियाती तौर पर परेशान या मसाइल क्रिएट करने में, यानी कि रोज़गार नहीं गा, गुरबत है, पैसा टक्कर नहीं गा, माशरती मसाइल ने लाइन से कॉलर है वे गल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पर आवाज नहीं आ रही थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैं रिक्वेस्ट जी रिक्वेस्ट करती हूं सी अपनी जो सारी टेक्निकल टीम है के इसको जरा रिजॉल्व कर। हां जी, मतलब सब मैं थोड़े को पूछना चाह रही हूं कि एक साथी अज़दवाजी साथ जेड़ा होता है हस्बैंड दा या एक बेगम दा, वो किस हद तक नफसियाती मराइज पैदा करने दा बायस बढ़ता है? तुहाड़ा ख्याल है कि अगर एक शख्स या एक खातून जहनी मरीज तो उसका जेड़ा कपल है उन्हां दा जेड़ा रिश्ता है वो बच्चे होते भी बुरा असर पैंदा है, ते नाले आपड़ा जेड़ा उन्हां दा रिश्ता है वो भी खराब होता है, तुहाड़ा की ख्याल है? बहुत अच्छी गल है, तुहाने बड़ी अच्छी गल की, और जेड़ी शादी है ना जी, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है,
और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कार जेने ते दोनों पार्टीज के अपने हुकूक होंगे तो अगर हुकूक मुतासर होने शुरू हो जाए एक दूसरे के तो वो जी लाइफ है वो सही नहीं चलती उस कार जेने ते मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से अचानक जोड़ा है तो तुम ड्राइव पे कर दो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ये जर्क्स जोड़े हैं तो मुतासर कर दें गड्डी नु भी और जिंदगी दे सफर में मुतासर कर दें तो ये दोनों पार्टियां अगर अगर इन केस मतलब कि बहुत आर विलिंग कि भाई साने जिंदगी दे सफर गुजारना है तो इन्होंने बर्दाश्त का मादा पैदा करना उसी एक दूसरे दी गलतियां नु बर्दाश्त करना पैसी और एक दूसरे दे कोऑपरेट करना पैसी अगर इस तरह ना कर सुनता जिंदगी दी कार आखिरकार खुदा ना खासा एक्सीडेंट होना। बिल्कुल नाजरीन इस तरह साढ़े बहुत सारे रिश्ते ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर कि जेडे अपने स्पाउस दे नाल या हस्बैंड दे नाल इस तरह जिंदगी गुजार रहे ने कि उन्हां दी बनदी नहीं गी लेकिन रह रहे हैं उन्होंने बच्चे भी ने उन्होंने बच्चे हूँ तकरीबन नफसियाती मरीज इस तो बढ़ गए हैं क्योंकि वो चिड़चिड़ापन तो झगड़े फसाद की वजह के नाल बच्चों की जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर पैंदा है। बच्चे भी ऑटोमैटिकली उस शय को अडॉप्ट कर रहे होंगे ने अगर घर च कोई एजा फादर या मदर ऊंची आवाज़ गल करे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो या जहनी मरीज हो या वो एजे उससे इकदाम हो जो टोटली तुसी को मैंटली सिक है या किसी ना किसी कैटेगरी बीमारी की उसकी गल आती है मसलन OCD है या ADHD है या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसनों तो वो जड़े ने फैमिली के जोड़े बच्चे ने उस वो बड़े मुतासर होंगे ने तो बच्चे की खातिर भी कोशिश करो कि नफसियाती अमराज का इलाज कराओ साइकियाट्रिस्ट को जाओ तो उसनों अपने ये प्रॉब्लम्स बताओ ताकि वो फाइंड आउट करे कि जी इस जगह पर तुहानू इस दवाई की जरूरत है या इस थेरेपी की जरूरत है या इस माहौल नू बदलने की जरूरत है क्योंकि तुसी अपनी नफसियाती सेहत का ख्याल रखना चाहो तुहाड़ी सोच इत्थे जा सी तो ताई तुसी जा के अपने आप नू कन्विंस कर सो कि हाँ मेरे नाल ये मसला है वे मैं बहुत जल्दी गुस्सा करने लगना वा या करने लगनी हाँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन मेरे अंदर है या बहुत ज़्यादा होर कोई ये जी गल कि मैं वहमी हो गई हाँ या बहुत ज़्यादा कुछ लोग जड़े ने उस सारा दिहाड़ा बाहर फिर दे रहा ने सारी रात बस उन्होंने घर चैन नहीं मिलता उन भी नफसियाती बीमारी का शिकार ने तो लाइन तो एक कॉलर है अल्लाह करे कि उन्हें आवाज़ आ जाए लेकिन असं उन्होंने वेलकम कहने अस्सलाम वालेकुम जी जी बिल्कुल नासरा मौजूद ने हैदराबाद चो जी बिल्कुल ठीक ठाक नासरा प्रोग्राम करते पे बारे अगर थोड़ा जा इजाजत दो तो मैं कुछ बताना चाहनी हूँ। मैं कहनी है कि साड़ा पाकिस्तान जड़ा है और खास तौर दे उते जी इस्लामी मतलब मुल्क से ताल्लुक रखने हैं मेरे ख्याल दे विच कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता इस तरह का पाक रिश्ता होंदा है कि इंसान नू उदे बड़ी रिस्पैक्ट करनी चाहिए मियाँ बीवी ने एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ज़्यादातर साढ़े मुल्क दे विच कुछ इस तरह के मसाइल हो गए हैं कि मतलब अक्सर बीवियाँ जड़ियाँ होंदियाँ पढ़िया लिखिया होंदियाँ और बात का उन्होंने हस्बैंड उन्होंने नाल किसी गल उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सानू ये चाहिए कि अगर साढ़े बच्चे है हो तो सानू उन्हें बच्चों के खातिर थोड़ा जहा कंप्रोमाइज करना चाहिए बल्कि बहुत ज़्यादा सैक्रीफाइस करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे होंगे ना वो वालदैन नू देख के माँ और प्यो जोड़ा होंगे ना वो तो अपना वक्त गुजार दे एक दूसरे के नाल मतलब थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दे विच या जिस तरह भी लड़ाई झगड़े नाल लेकिन उन्हें बच्चों के उत्ते बहुत गलत असर पैंदा है। सानू चाहिए कि असी मुसलमान होने के नाते ज़्यादातर जड़ियाँ औरतें होंगे उन्होंने ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए अपने बच्चों के वास्ते क्योंकि बच्चे जोड़े होंगे वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना माँ को कुछ फर्क पैंदा है तो ना प्यो को कुछ फर्क पैंदा है दरम्यान दे विच बच्चे जोड़े होंगे ना वो पिस जाते हैं। तो मेरी उन्होंने मावं से रिक्वेस्ट है कि खुदा दे वास्ते अगर तुहाडे हस्बैंड ठीक है तुहाडे नाल ठीक नहीं गए अगर चे ये भी नाइंसाफी है बीवी दे नाल बहुत ज़्यादा लेकिन अपने बच्चों नू देखते हुए उन्होंने खूबसूरत चेहरिया नू देखते हुए उन्होंने फ्यूचर नू देखते हुए अपने जोड़े इंसान के अपने हालात होंगे उन्होंने जरा नज़रअंदाज कर देना चाहिए खास तौर पर लेडीज़ नू। बाकी इस तरह दिया मावं भी हैं जिन्हें अपने बच्चों के खातिर मतलब अपनी खुशियां साइड से रख के अपने सारे मतलब उन्होंने अपन खुशियां अपने बच्चों के उत्ते निछावर कर देनी है। तो इस तरह दिया मावं मेरी तरफों सलाम स्पेशली कुछ मेरी सहेलियां इस तरह दिया जिन्होंने अपने बच्चों के वास्ते बहुत कुछ किया मैनू पता है उन्होंने और अज वो बहुत अच्छे मकाम के उत्ते हैं अल्लाह ताला ने उन्होंने इज्जत भी दी है तो अज उन्हों बच्चियां या उन्होंने बच्चे जड़े अज माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह के उत्ते बैठे हुए हैं पढ़ते भी पे
हिना नु देख के मैं बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हिना माशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कर दी पई है और आज इस टॉपिक दे ते इन्होंने के हां और प्यारी भी लग दी पई आज बहुत ज्यादा बड़े से बाद मैंने देखा है। डॉक्टर साहब तुसी भी बहुत अच्छे हो, बस दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला तुहानू लोगों नु बहुत कामयाब करे और ज्यादा से ज्यादा तुहाडे लोगों दा इस प्रोग्राम जिहड़ा है वो अल्लाह ताला कामयाब करे। बड़ी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तुहाडी आवाज सुन के, बहुत अरसे बाद साडी पुरानी कॉलर ने ते बड़ा अच्छा बोल दिया ने, बहुत खूबसूरत शख्सियत दी भी मालिक ने ते मेरे नाल इन्हां दा एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है, कलीग भी रही ने मेरी ते बहुत हुण तां असीं दूर दूर स्टेशनस ते आ ते लेकिन ओह यादां साडे नाल ने, इन्हां दी मुहब्बतां प्यार ओह वेला जिहड़ा गुजारा इन्हां दे नाल ते बहुत मतलब एक टैलेंटेड खातून। कहिंदे ने जी कि वक्त गुजर जांदा है मगर यादां जिहड़ियां हन तां ओह सरमाया बण जांदियां ने ते बहुत शुक्रिया जी, तुहाने बड़ी अच्छी गुफ्तगू कीती है और माशाल्लाह तुहानूं मलिका हासिल है, गुफ्तगू करने दी कार इस तरह शामिल होंदे रहे करो जी। और भी जितने साडे नाजरीन आसे पासे चार चुफेरे आल दुआले जड़े भी हैं इस वक्त साढ़े गपशप लगा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और इस मौजूद है या इसके अलावा किसी दूसरे मौजूद भी कॉल कर बिल्कुल नाजरीन तो तुहाडी कॉल्स ते कॉलर लाइन साड़ी ओपन है, तुसी कॉल करो 9211214 साडा कॉलिंग नंबर है। डॉक्टर मलिक साहब इतने मौजूद ने, मलिक अरशद हुसैन ते मैं इतने मौजूद हाँ ते असी किसी भी मौजूद ते गल कर रहे हैं। जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात दा भी एक नाव है या एक चैलेंजेस दा भी नाव है, खूबसूरतियाँ दा भी नाव है, एक हादसात दा भी हजूम है, लेकिन इंसान एवे कि वह किस तरीके दे नाल उसनू फेस करता है। बाज़ औकात फस्ट टाइम तुहानू एक हादसा पेश आंदा है, तुसी पैनिक करदे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो या शोर शराबा करदे हो या अपने आप नू कोसदे हो ते जदों आहिस्ता आहिस्ता तुसीं इन्हां हादसियां दा शिकार होंदे जांदे हो तां तुहाडे अंदर एक ठहराव आंदा है, या इसी तरह कोई अजिहे मसाइल होंदे ने जिहड़े फस्ट इनिशियली तुहानूं फेस करने पैंदे ने, तुहाडा रिएक्शन कुछ होर होंदा है, हले हले वह तमाम चीज़ां किसी होर रूप च आंदियां ने, तुसीं आदी हो जांदे हो, वह तुहानूं जिंदगी है जिहड़ी इतनी मजबूत बणाउंदी है। बिल्कुल, जिंदगी जिहड़ी सिखांदी है सलीका जिंदगी। बिल्कुल, इन्हां जी जिंदगी दे कारण असीं देखदे हां कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग गुजरे हैं जिसां हेलन केलर रही हैं, उन्हां ने बावजूद इसदे कि अखियां उन्हां दियां नहीं आईयां नाबीना ही आं, उन्हां ने जिंदगी का मुकाबला किया और चैलेंज समझ के जिंदगी ने लड़ी। और भी बहुत सारे केसेस हैं उसकी तफसील ही नहीं जानना चाहना, मैं अज एक वाकया पढ़े एक जड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का, तो वो इस तरह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जड़े हैं हदीस की किताब जी सही बुखारी जी है तो वो कुरान से बाद एक और मतलब कि दूसरे नंबर पर मुस्तनद किताब समझी जाती है अहदीस के हवाले से। उन्होंने बचपन का वाकया यह कि बड़ी मतलब कि काफ़ी दुआवों के बाद अल्लाह पाक ने एक इस्माइल साहब है उन्होंने मतलब घर इमाम बुखारी पैदा हुए और बड़े लाड नाल पलदे पए, इन्हां दे वालिद इंतकाल हो गया, उसी बाद ही होया कि कुदरती इन्हां दी अखियां चलियां गईयां और इन्हां दी वालदा दी ए ख्वाहिश कि ए इमाम बनन मतलब कि आलिम बनन और खूब दीनी इलम हासिल करन, मगर उन्हां दी जिहड़ी ते नज़ीर चली गई। उन्हां दी वालदा जिहड़ी आई वह बड़ी बुजुर्ग औरत आई, उन्होंने इतना जड़ा है ते दुआ की, इतना दुआ की कि हर वक्त दुआ अल्लाह के सजदा रेज हो के ते दुआवां करते रहेंदे ते अल्लाह पाक ने उन्होंने जड़ा है जो दुआ दे सदके चुना देखियां। अच्छा माशाल्लाह जी, लाइन ते कॉलर ने पुछने साडे नाल कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन प्यारे जी, नाम बताओ जी। मेरा नाम सायमा। सायमा किधरों पे गल करते हो? मैं हवेलियां से। हवेलियां तो जी के कहना चाहसो? मैं किस टॉपिक पे? किसी भी टॉपिक पे मलिक साहब नु कुछ कहना चाहो, कोई प्यारी जे गल कहना चाहो, प्यारे लग रहे ना? जी जी बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इन्हें जी तने जोर देते जे ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेते मेरे वास्ते देना जरूरी है ना मलिक साहब। अच्छा साहब तुसी ये बताओ जी कि हवेलियां दे घर एक जगह उते खोता कब रही? जी जी ओ हैवे के खत्म हो गई कोई प्यारी सी बात शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बस यही शेयर करना चाहूंगी कि आजकल कोरोना की वजह से काफी लोग डरे हुए हैं, तो इस चीज को डर में ना लें और सुकून से रहें और खुशियां बांटें, दें सबको खुशियां और खुद भी खुश रहें और सबको खुश रहने। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। बिल्कुल कोरोना से नहीं लड़ना है। अच्छा जी, उस दिन मतलब से डरना नहीं है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो अनिल मेरे ख्याल पीछे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह आवाजें भी आंदी हैं। हां जी। अच्छा बहुत बच्चे भी हैं। अच्छा उन्होंने बड़ा बड़ा प्यार साड़ी तरफ दिया। साड़ी तरफ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मजे दी गल हवेलियां दी गल जी। देखो हवेलियां जड़ा इलाका है
इधर पे इस जगह तो खोता कब रही ना तो वो एक बड़ी कल्चरल स्टोरी है हर इलाके की अपनी कोई ना कोई स्टोरी होगी मुझे लगता है उसे खोता है जी एक सुभान नामी आदमी है नाजरीन तो वो सुभान जड़ा है उसने एक खोता बड़ा है उसने प्यार पाला है बड़े चाव के नाल और उस वक्त एक कुफर इस्लाम की जंग हो गई और काफर ने जड़ा है तो उस खोते फुंड छड़ा क्योंकि वो मुजाहिदीन के वास्ते सामान लेके जाता है उन्होंने बड़ा कास्टली पैंता है और खोता जड़ा उ जाके उन्होंने रसद पहुँचा देता है और उस तो इस वजह से उन्होंने मारता है सुभान जड़ा है तो रोंदा रही आखिरकार उसने उसने दफना दिता उस जगह का नाम ही खोता कबर देखो कितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मलिक साहब ने दी है खोता कबर इन हवेलियाँ तो मजीद भी इसके बारे सर्च कर सकते हो इसी तरह की खूबसूरत कल्चर कहानियाँ या कोई खूबसूरत जी गल या वाकया या कोई एक मनसूब की थी भी कोई जिसने कह देने कोटेशन वगैरह वो सानू बता सकते हो जिस तरह मुमताज़ महल बढ़ाया गया उसके बादशाह सलामत ने अपनी वाइफ ते खूबसूरत एक तोहफा महल का बढ़ाया लेकिन उसकी वफात के बाद तो जिंदगी विच भी लोगों की कदर होनी चाहिए है लेकिन साढ़ा ये डायलेमा है कि असी अक्सर जो लोग साड़ी जिंदगी चो चले जाते हैं दूर चले जाते हैं बिछड़ जाते हैं जुदाई हो जाती है उन्होंने परमानेंट या फौदगी तो वत सानू उन्होंने कदर आती है पता नहीं इंसानी फितरत इस तरह क्यों है लाइन ते कॉल रहे जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी मेरे भरा कौन से बोल रहे हो किस जगह से कॉल की थे तुमने मैं पेशावर से क्या बोल रहा हूं नहीं सदी जी 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 की कहना चाहते हो फरमाओ प्लीज ये चाहिए जी कि कम अज कम जानो थोड़े प्रोग्राम की तवक्कत न कोई पेशावर के पुराना कल्चर पेशावर की तारीख अच्छा तुसी किस जगह ते रहंदे हो जी अच्छा जी शहर दे विच पुराने शहर दे विच माला बाकर शाह दे विच रहनी है जी अच्छा अच्छा ते देखो ए साडे नाल तुसी भी जेड़े ते हेल्प कर सो बाकर शाह दे माले दे हवाले से तुसी कुछ बताओ ना देखो लाइंस ओपनन के बाकर शाह दी सबसे पुरानी तारीख है मलक साहब जी जी इथो पेशावर दी बड़ी बड़ी हस्तियां जेड़े के सोहत एनटीए बने बड़े बड़े वजीर बने नो बैठे माशाल्लाह कमांडर खलील रहमान पेशावर की तारीख गवर्नर रह की गए जी जी फिर तारीखी मस्जिद एक से मस्जिद है दिलावर खान जी 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 अच्छा जी जी तारीख है जी 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 देखो सारे कदीमा हर चीज सानो मिल गई सही बिल्कुल फिर नारी जन मौत से जड़ा वे मीना बाजार है जी जी तेरा के पेशावर की शान है जी बड़ी गल है जी कि ये सारा इलाका पुराने पेशावर ही आंदा है ठीक है लेकिन ऐसे ही कह रहे हैं कि थोड़े सब प्रोग्राम के तवस्त को ऐसी चीज मिले तेरे के पेशावर की पुरानी तारीख किस लोग रहन सहन खाना पीना इनको की चीज है इनको बोलने वाले कौन लोग है सही है इन्हें भी तारीख कौन है कितने कदरदान है इन्हें भी दस्तरखान के गए इन्हें भी मेज जोल के गए ਤੇ ਮਰੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਆਸੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਅਵੇਲੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਵੇਲੀਅਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਸਾਨੇ ਕਿ ਸਖਾਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿ ਸਖਾਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਰਗੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਬੜੀ ਮਿਥਸਨ ਕੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰ ਹੈ ਆਵਤ ਮਲਕੇ ਨੂਰਜਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਇਆ ਆਵਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੰਟਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਇੱਕ ਵਰਸਾ ਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਵਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੜਕਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ